जिला गंगा समिति ने भव्य गंगा उत्सव का हुआ आयोजन, 3000 दीपों से जगमगा उठा बागमती का तट। जल जीवन हरियाली अभियान को लेकर हुई समीक्षा बैठक। संक्षिप्त पुनरीक्षण को लेकर हुई बैठक, 8 से 12 नवंबर तक चलेगा चुनाव पाठशाला। मारवाड़ी महाविद्यालय के छात्र छात्राओं ने मूलभूत सुविधाओं को लेकर मिथिला विश्वविद्यालय में निकाला आक्रोश मार्च। मिथिला विश्वविद्यालय के रसायन शास्त्र विभाग में कुलपति के द्वारा नवीनीकृत कार्बनिक प्रयोगशाला का फीता काटकर किया गया उद्घाटन। मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति ने 6 विभागों की नैक की तैयारी का लिया जायजा, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। मिथिला दरभंगा के सांसद ने नई दिल्ली में लोकल स्टडी विजिट कार्यक्रम के तहत सफदरगंज और विजवासन रेलवे स्टेशन का किया दौरा। दरभंगा के बहादुरपुर में युवक के साथ हुई मारपीट, डीएमसीएच में भर्ती। दरभंगा में लगातार तीसरे दिन राजद जिलाध्यक्ष की ओर से निकाली गई पदयात्रा। जिला गंगा समिति दरभंगा के द्वारा नदियों का त्यौहार गंगा उत्सव का आयोजन, दरभंगा शहर के बागमती नदी के तट पर शुभंकरपुर के राजा रामधनी घाट एवं हजारीनाथ घाट पर भव्य दीपोत्सव, गंगा आरती, स्वच्छता अभियान और सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ किया गया। भव्य दीपोत्सव में 3000 दीप दोनों घाट पर प्रज्वलित किया गया, घाट दीपों की रोशनी से जगमगा उठा। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नमामि गंगे की जिला परियोजना पदाधिकारी फारूक इमाम ने कहा कि हमारी नदियों का जश्न मनाने और भारत में नदी घाटियों में नदी कायाकल्प के महत्व पर जागरूकता फैलाने के उद्देश्य के साथ नदियों का त्यौहार गंगा उत्सव का आयोजन देश भर में किया जा रहा है। दरभंगा समाहरणालय अवस्थित बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभागार में उप विकास आयुक्त श्रीमती प्रतिभा रानी की अध्यक्षता में जल जीवन हरियाली अभियान के अंतर्गत निर्धारित 11 अवयवों पर किए जा रहे कार्य प्रगति की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। प्रथम अवयव के अंतर्गत जल स्रोतों से अतिक्रमण हटाने का कार्य संतोषजनक पाया गया। द्वितीय अवयव जल संरचनाओं के जीर्णोद्धार कार्य प्रगति लाने की आवश्यकता बताई गई, जिसमें तालाब आहार पैन का जीर्णोद्धार किया जा रहा है। तृतीय अवयव के अंतर्गत कुओं का जीर्णोद्धार की समीक्षा में पाया गया कि पंचायती राज विभाग द्वारा 353 एवं लघु सिंचाई विभाग द्वारा 345 कुओं का जीर्णोद्धार कराया गया। दरभंगा समाहरणालय अवस्थित बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभागार में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी राजीव रोशन की अध्यक्षता में मतदाता सूची अद्यतीकरण हेतु चल रहे संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम की समीक्षा बैठक की गई। बैठक में जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम को लेकर कई आवश्यक निर्देश सभी सहायक निर्वाची पदाधिकारी एवं सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी को दिए। उन्होंने कहा कि 26 नवंबर तक मतदाताओं के नाम जोड़ा जाना है। इसके पूर्व की तिथि के एक भी मृतक मतदाता का नाम मतदाता सूची में नहीं रहना चाहिए। सोमवार को मिथिला विश्वविद्यालय में छात्र छात्राओं ने आक्रोश मार्च निकाला। ये वो छात्र थे जो मारवाड़ी महाविद्यालय से आए थे, जिनके पास मूलभूत सुविधाएं नहीं है। खासकर लड़कियों के लिए हॉस्टल की व्यवस्था नहीं है, तो वहीं लड़कों के लिए खेलने के लिए मैदान नहीं है। ये आक्रोश मार्च जन अधिकार छात्र परिषद के बैनर तले निकाला गया और मिथिला विश्वविद्यालय के चारों ओर घूमकर यह आक्रोश मार्च निकाला गया। स्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेकर लड़ रहे हैं, लगभग सभी महाविद्यालयों के बारे में वरिष्ठ और कुलपति को देते रहते हैं,
लेकिन अभी तक कोई भी बस के पाठक जी 75% अटेंडेंस खाली लागू किए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर इनके बाप की औकात नहीं है देने के अभी तक। बस इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं देना है, बस 75% हाजिरी हो, चाहे स्टूडेंट गाय भैंस की तरह बैठे कहीं खड़ा हो, उनको ना व्यवस्थित रूप से कोई वॉशरूम है, ना खेल का मैदान है, ना शैक्षणिक विकास होता है छात्रों का, ना ही सांस्कृतिक विकास होता है। आप मारवाड़ी कॉलेज कभी जाके देखिए, आज ब्लॉक का जैसे लगता है कि दीवार देह पे गिर जाएगा छात्रों का। छात्र तब भी मजबूरी में भरे भरे रहते हैं, लेकिन उनके लिए क्लासरूम की व्यवस्था नहीं है, एक भी लेबोरेटरी में कोई भी अच्छा सामान नहीं है, ना ही क्लासरूम अच्छा है। छात्र आए तो कहाँ आए, कहाँ बैठे? 12,000 छात्र पे केवल 12 रूम और 17 से 18 वो शिक्षक हैं। आप सोचिए, अगर हिंदी के प्रोफेसर हैं, लगभग 8,000 छात्र हिंदी के को पढ़ते हैं हिंदी विषय को, और उनमें केवल 2 शिक्षक हैं, 8,000 छात्रों पे 2 शिक्षक कहाँ से उचित है? कभी कोई भी किसी जिंदगी में पढ़ा पाएगा क्या? सोमवार को मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह के द्वारा विश्वविद्यालय के रसायन शास्त्र विभाग में नवनिर्मित कार्बनिक प्रयोगशाला का उद्घाटन फीता काटकर किया। सबसे पहले विभाग अध्यक्ष प्रेम मोहन मिश्र ने कुलपति का मिथिला परंपरा अनुसार मिथिला पेंटिंग युक्त पाग चादर एवं कुछ देकर स्वागत किया। कुलपति ने रसायन विभाग द्वारा नए की तैयारी में किए गए प्रयासों की सराहना करते हुए कई महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए। निरीक्षण के दौरान कुलपति के साथ साथ नेक समन्वयक डॉक्टर जिया हैदर, मानवीय संघ अध्यक्ष प्रोफेसर ए के बच्चन, वाणिज्य के पूर्व संघ अध्यक्ष प्रोफेसर बी वी एल दास भी मौजूद थे। मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह के द्वारा सोमवार को 5 सदस्यीय टीम ने 23 से 25 नवंबर 2023 के बीच होने वाले नेक निरीक्षण को देखते हुए पीजी कॉमर्स एवं प्रबंधन अध्ययन, गृह विज्ञान, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, भौतिकी विज्ञान तथा रसायन विज्ञान विभागों का भौतिक रूप से गहन निरीक्षण किया। टीम में पूर्व वाणिज्य संकाय अध्यक्ष प्रोफेसर बी वी एल दास, मानवीय संकाय अध्यक्ष प्रोफेसर ए के बच्चन, आई क्यू एस निदेशक डॉक्टर मोहम्मद जिया हैदर तथा विश्वविद्यालय अभियंता मोहम्मद इकबाल शामिल थे। तो वहीं कुलपति के साथ उनके निजी सचिव सैयद मोहम्मद जमाल अशरफ तथा आई टी सेल के गणेश कुमार पासवान आदि भी मौजूद थे। कुलपति ने सभी विभागों की साफ सफाई, वर्ग व्यवस्था, प्रयोगशाला, विभागीय परिसर आदि का विशेष निरीक्षण करते हुए वहां के छात्र छात्राओं से फीडबैक भी प्राप्त किया। उन्होंने प्रत्येक विभाग की नेक निरीक्षण तैयारी का पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के द्वारा प्रस्तुतिकरण देखकर जरूरी कमियों को बताते हुए उन्हें शीघ्र दूर करने कर लेने का आवश्यक दिशा निर्देश भी दिया। सोमवार को रेल संबंधी अस्थायी समिति एवं रेल मंत्रालय के परामर्शदात्री समिति के सदस्य सह दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर ने नई दिल्ली में रेलवे स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन की अध्यक्षता में लोकल स्टडी विजिट कार्यक्रम के तहत सफदरगंज और विवासन रेलवे स्टेशन का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने पूरी कमेटी के लोगों के साथ दोनों रेलवे का निरीक्षण कर वहां चल रहे पुनर्विकास सहित अनेक कार्य से अवगत हुए। निरीक्षण के पश्चात रेलवे के नॉर्दर्न रीजन के महाप्रबंधक, आरएलडीए के चेयरमैन और इरकॉन के सीएमडी सहित अन्य वरीय अधिकारी के साथ बैठक कर विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। दरभंगा बहादुरपुर थाना क्षेत्र के रसलपुर गांव के शिक्षक मोहम्मद मुजतबा के पुत्र मोहम्मद नफीस को गांव के ही युवक ने शनिवार को मारपीट कर घायल कर दिया। घायल मोहम्मद नफीस उर्फ राजा का इलाज डीएमसीएच के सर्जरी विभाग में चल रहा है, जिसको लेकर बहादुरपुर थाने में मामला दर्ज कराया गया है। घायल नफीस के पिता शिक्षक मोहम्मद मुजतबा ने कहा कि मेरा पुत्र नफीस शनिवार को रसलपुर से भटियारी सराय कोचिंग पढ़ने के लिए 3 बजे जा रहा था। रास्ते में ही गांव के युवक ने अंबेडकर चौक पर मेरे पुत्र मोहम्मद नफीस को 7 से 8 युवक बाइक पर बैठा कर ले गया और केएस कॉलेज रोड में उसे बुरी तरह से पिटाई कर घायल कर दी। मगर उस दिन कुछ कारण के कारण हम मतलब कि 3 बजे भाईजान के साथ निकल गए। भाईजान के अलग रास्ते चल के हम अलग रास्ते को ही चल गए। मगर पता नहीं अम्बेडकर मुल्की के पास हम वहाँ पे रुके हुए थे कोचिंग, मतलब कि वहाँ से टेम्पू लेने वाले थे, तो वहाँ आया 3-4 गाड़ी लगा दिया और मेरे मतलब कि ले लिया। तो
जैसे मजाक कर रहा मोहल्ले का ही बोला था जैसे मन नहीं उधर मतलब कि बोला क्या चलो मेरे साथ जैसे काम है घर चलो। पद यात्रा की लगातार तीसरे दिन इंडिया महागठबंधन की ओर से राजद जिलाध्यक्ष उदय शंकर यादव की अध्यक्षता में हजारों युवा क्रांतिकारी साथियों व सैकड़ों माताओं एवं बहनों के साथ यह पद यात्रा निकाली गई। यह पद यात्रा शोभन चौक से शुरू होकर भरौल चौक, बगला चौक, केलवा गाछ, गोडियारी, चांदी होते हुए एकमी घाट चौक पर समाप्त की गई। और वहां से लौट के तीसरा दिन तो यह है जो शोभन चौक से लेके और एकमी पे आके समापन हो। यदि फिर बात नहीं मानेगा तो अगला क्या आप लोगों का है? अरे आंदोलन चल चुका है, ये पार्ट बाय पार्ट हम लोग आम जनता की जो समस्या है जो आए दिन देखे होइएगा आप लोग दिन पे तीन तीन दरभंगा में 10 मिनट में हम लोग 25 साल से भाजपा के सांसद हैं, शहर में इधर उधर हैं, 10 मिनट में आ रहे हैं, केंद्र में बुलाती है, यहाँ से 10 मिनट में हम लोग चलेंगे। पिछले 25 साल में नहीं क्रियान्वित हुई है। आज जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ जितनी 5 से 6 फ्लाईओवर है, आज दिन घटना घटती है, रेलवे ट्रैक पे एक ही परिवार के लोग पहले भी पड़े थे, लेकिन केंद्र सरकार इन चीजों पर संज्ञान लेने वाली नहीं है।